हैं। अविका, आप तो एक छोटी सी उम्र से एक्टिंग कर रही हैं, आपको तो बड़े होते टीवी पर करोड़ों लोगों ने देखा है, कभी ये प्रेशर था आप पे कि इस तरह से दिखें या ऐसे बेहतर दिखेंगी, जैसे चश्मा मत पहनो या पतली हो जाओ, या आपके आसपास कभी आपने होता हुआ देखा हो जो आपने सीरियल्स इतने किए हैं, तो इस दौरान कभी कुछ ऐसा हुआ कि आपको ऐसा दिखना चाहिए या ऐसा नहीं, या कुछ ऐसा दिखने को कहा गया हो जो आपको ठीक ना लगा हो लेकिन रोल के लिए आपने किया, एडजस्ट किया? आई थिंक टू बी ऑनेस्ट आई हैव बीन वेरी ब्लेस्ड दैट वे, क्योंकि जब मैं आई वुडंट से ओवरवेट, क्योंकि मैं इतना ज्यादा हैवी भी नहीं थी, बट व्हेन आई वाज अ लिटिल हैवियर देन आई एम राइट नाउ, तब मुझे जो कैरेक्टर्स अप्रोच होते थे, ऑब्वियसली आई यूज टू स्टिल गेट वर्क बिकॉज पीपल यूज टू रियली लाइक वॉचिंग मी ऑन स्क्रीन, राइट? तो मुझे तब जो कैरेक्टर्स अप्रोच होते थे वो काफी गर्ल नेक्स्ट डोर या यू नो कॉलेज गोइंग नॉर्मल स्कूल गोइंग गर्ल, वैसे टाइप के कैरेक्टर्स आते थे। एंड अब व्हेन पीपल नो दैट आई एम फिटर, आई एम अप्रोच फॉर बिगर और ग्लैमरस रोल्स, आई वुड से। एंड आई थिंक एज एन एक्टर मैं भी वही सेम चीजें कर करके कहीं ना कहीं थक चुकी थी। आई ऑल्सो वॉन्टेड अ चेंज, और मेरा जो इंटेंशन था ऑफ चेंजिंग द वे आई लुक वॉज ऑनेस्टली इसलिए नहीं कि मुझे सैड अबाउट द वे आई लुक एंड आई वॉन्ट टू लुक अ स्पेसिफिक वे, बिल्कुल नहीं। मेरा इंटेंशन सिर्फ था कि मुझे फिट होना है। एट अ वेरी यंग एज सबको ये लगता है कि जो हम मूवीज में देखते हैं या जो हम एड फिल्म्स में देखते हैं या जो हम मीडिया में देखते हैं वो एक परफेक्शन जो होता है वही होना चाहिए। एंड आई वॉन्ट टू टेल यू गाइज दैट इतने फ्लॉज होते हैं ना हर किसी में, और वो जो फिल्टर्स होते हैं, वो जो बहुत सारी चीजें जो एनहेंस करती हैं एक एक्टर की ब्यूटी को, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। आई वॉन्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट हियर कि राइट नाउ आई एम विदाउट मेकअप, बट एट द एंड ऑफ द डे व्हेन आई एम डूइंग अ मूवी वहां पे बहुत मेकअप होता है। देयर इज लाइक अ प्रॉपर टीम जो ध्यान रखती है कि हम कैसे दिख रहे हैं इन एंड आउट, एंड आई थिंक ये सारी चीजें डेफिनेटली लाइक आई सेड थिन लाइन है तो वो गलत इन्फ्लुएंस भी कहीं ना कहीं कर देती है। एंड आई थिंक द क्रेडिट और द ब्लेम डज गो टू द इंडस्ट्री, क्योंकि हमने वो एक स्टैंडर्ड बनाया है ब्यूटी का। एंड अनफॉर्चुनेटली लिटिल गर्ल्स डोंट अंडरस्टैंड दिस एंड आई वॉन्ट देम टू अंडरस्टैंड फॉर श्योर। Avika, you're clearly comfortable in your skin and in your size. You've spoken in the past about beauty anxiety that young girls have to go through. What can you tell them? What advice can you give them? Tips can you give them? Anyone watching now about handling this beauty anxiety? I mean, a lot of their beauty anxiety does start with skin. I mean, I have seen so many people जो इतना bother होते हैं अपनी skin को लेके, क्योंकि obviously hormonal changes होते हैं, you get acne, you get pigmentations, बहुत कुछ होता है at very young age, you know, all of this starts. And I have seen that anxiety in a lot of people around me. मुझे भी था जब मुझे बहुत सारे pimples आते थे, but I remember talking to one of my doctors and they just explained me कि आप कितनी भी दवाइयां ले लो, कितना भी कुछ भी कर लो, this is your age. अगर अब नहीं आएंगे तो कब आएंगे, मतलब इट्स एज सिंपल एज दैट। सो आई थिंक आई स्टार्टेड मेकिंग पीस विद इट जब मैंने ये लॉजिक समझा कि ये होना है, दिस इज नॉर्मल। सबकी लाइफ में वो एक फेज आता है जब आपका यू नो स्किन इज रिएक्टिंग टू योर हॉर्मोन्स एंड इट्स ओके। आई वुड वॉन्ट टू अप्रिशिएट यामी गौतम फॉर दिस। आई रिमेम्बर उन्होंने एक इंस्टा पे पोस्ट डाला था आई थिंक अराउंड एक साल पहले दैट शी हैज केटारोसिस पिलारिस। इट्स अ स्किन नॉट अ डिजीज बट अ स्किन कंडीशन जिसमें आपको लाइक यू नो लाइक बम्प्स होते हैं ऑन योर आर्म्स और ऑन योर लेग्स एंड ऑन योर स्किन बेसिकली। और मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट यामी गौतम वुड कम आउट, बिकॉज हमने तो उनको एक जेनरिक ब्यूटी, एक बॉलीवुड डीवा की तरह हमेशा देखा है। एंड व्हेन शी सेड समथिंग लाइक दिस अबाउट हर स्किन आई रियलाइज दैट यू नो इट्स नॉर्मल, क्योंकि इवन आई हैव द सेम कंडीशन एंड इट इज सो नॉर्मल। जब यू नो व्हेन शी केम आउट विद इट आई एक्चुअली रेड अ लॉट ऑफ पीपल कमेंटिंग अबाउट इट कि यू नो इफ एक्ट्रेसेस लाइक दिस कैन स्टेप अप एंड से समथिंग नॉट अ फ्लॉ बट समथिंग दैट इज सो पर्सनल टू देम, अगर ये लोगों के सामने बात आती है देन आई थिंक इट्स वेरी इंस्पायरिंग। आई वॉज इंस्पायर्ड बाय यामी व्हेन शी केम आउट, सो आई वॉन्ट टू बी वन ऑफ देम।